अब जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन हो गए कुछ लोग, अब बैठ गए आराम से, खुद भी बैठ गए कि मैंने तो दो लोग जुड़ गए, मेरा काम खत्म। क्या बोलते हैं, मेरे दो लोग जुड़ गए, मेरा काम खत्म। ऊपर से भगवान बोलता है ततास्तु, तेरा काम खत्म। अरे भाई, दो लोग, चार लोग, पांच लोग जुड़ने के बाद काम शुरू होता है। भगवान को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए और शिद्दत के साथ काम करना शुरू कीजिए। आप कहते हो मेरा काम खत्म, भगवान कहता है तथास्तु। आप कहते हो मेरा काम शुरू, भगवान कहता है तथास्तु। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, कुछ लोगों के जुड़ने के बाद आप ये सोच के घर में बैठे हुए कि मेरा काम खत्म या शुरू। खत्म तो खत्म, शुरू तो शुरू। ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं, दो लोगों की टीम बनानी, आप करोड़ों रुपए बरसेगा घर पे बैठ। इसका मतलब आपको प्लान समझ में नहीं आया, आप माइंड का इस्तेमाल नहीं कर। किसी ने नहीं बोला आपको दो चार पांच दस लोगों को जोड़ के आप करोड़पति बन जाओ, ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा, किसी कंपनी में नहीं बोला जाता। और अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि केवल दो आदमी जोड़ दो बाकी मैं देख लूंगा। समझ लीजिए आपके साथ चीटिंग हो गई, आपके साथ झूठ बोला गया, उस आदमी ने झूठ बोला। मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आपके साथ जो ज्वाइन हो रहे हैं उनका विजन क्लियर कीजिए। जिसने जो ज्वाइन हो गया, जिसने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके घर जाइए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, उसको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, उसको अपनी कंपनी की जानकारी दीजिए, उसको अपनी इंडस्ट्री की जानकारी दीजिए, उसको बताइए लिस्ट क्यों जरूरी है, उसको बताइए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना क्यों जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके माइंडसेट पे काम कीजिए, उसका विजन क्लियर कीजिए सर, और उसके साथ बैठ के उसकी भी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी जो काम आपने किया। आप बताइए क्या मुश्किल है। मैंने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, उनसे कांटेक्ट किया, अपनी अपलाइन को लेके गया, उस 50 में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए, अब उनके साथ बैठा, उनकी लिस्ट बनवा रहा हूं और अपनी अपलाइन के साथ उनके लिस्ट पे जाके प्लान कर रहा हूं और उनकी भी टीम बना रहा हूं। क्या मुश्किल है इसके अंदर मुझे बताइए। इसके अंदर एक ही काम मुश्किल है और वो मुश्किल पता क्या है, मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे अपना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कुछ महीने कुछ साल मुझे फील्ड में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएगा रिजल्ट। एक किसान का 10 बीघे का खेत है, वो देख रहा है खेत को बैठे बैठे अपने झोपड़ी में से, अपने घर में से, अरे मेरा खेत, ये सामने मेरा खेत है, ये खेत मुझे फसल देगा, ये खेत मुझे फसल देगा, बस ये सोच रहा है ये खेत मेरा है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन ये खेत मुझे फसल देगा। लेकिन उस खेत में फसल प्राप्त करने के लिए कुछ काम नहीं किया उसने। कौन सा खेत ऐसा है जिसपे मेहनत ना की जाए, जिसपे काम ना किया जाए और वो फसल दे दे, खरपतवार मिलती है दोस्त। ऐसा खेत जिसपे सही तरीके से खेत नहीं जोता जाता, फसल के बीज नहीं डाले जाते, उसकी देखरेख नहीं की जाती, वो सिर्फ खरपतवार देता है, खाली खेत, और खरपतवार नुकसान देती है जमीन को भी और आपको, उसका कोई फायदा नहीं होता। सेम ये बिजनेस, जो बस बैठा है, मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, ये उस किसान की तरह है जो खेत को देख के कह रहा है फसल उग जाएगी। उस फसल को उगाने के लिए किसान को दिन रात एक करना पड़ता है दोस्त, उसके परिवार को, तब जाके फसल उगती है, आंधी तूफान सब कुछ उसको मालूम आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास करना बंद नहीं करता। कई बार फसल खड़ी हो जाती है, लहलाती है, काटने से पहले तूफान आ गया, बारिश आ गई, सारी फसल खराब हो गई, अगले साल फिर करता है दोस्त। हम अपने नेटवर्क के खेत में बीज डालने के लिए तैयार नहीं है, बीज डाल दिए, उन बीज का पोषण करने के लिए, पालने के लिए तैयार नहीं है। उनको पालने का मतलब उनके साथ मीटिंग क्रिएट करना, एक आदमी को जोड़ा यानी एक बीज डाला, उस बीज को पालना पड़ेगा, पोषना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उस एक बीज से बहुत सारे बीज निकलेंगे, वो आगे जब नेटवर्क क्रिएट करेगा, यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो आपके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका विजन क्लियर कर रहे हैं क्या। अभी मैं जब इमरान जी के घर पे मीटिंग देने गया था, इमरान जी घर पे जब मीटिंग थी, लगभग लगभग 40-50 लोग थे, उनमें से आप भी होंगे, उस बात को 2 महीने होने को जा रहे हैं, आप चेक कीजिए आपने कितने लोगों का नेटवर्क बनाया दोस्त। या आप उस मीटिंग में भी आए, उसके बाद हर मीटिंग में संडे में उनके पास जा रहे हैं, और गो डायमंड में भी आ गए, लेकिन जैसे वहां थे वैसे आज तक हैं, इसका मतलब दोस्त वही है, आपकी इच्छा नहीं है काम करने की। और आपसे ज्यादा बड़ी गलती, आपकी अपलाइन कर रही है, वो अभी भी आपको धक्का दे दे के लेके आ रही है, आज जबकि उसको पता लग गया है ये आदमी ना लिस्ट बना रहा है, ये आदमी को MD साहब भी मिल चुके हैं, मेरी अप्लायंस भी मिल चुकी हैं, इसको दो तीन प्रोग्राम भी दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी ये हिलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कोई दूसरा आदमी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने भी ये मान लिया कि सिर्फ यही आदमी मुझे करोड़पति बनाएगा, जिसकी खुद की इच्छा नहीं। फिर बता रहा हूँ सर,
खुद की इच्छा नहीं थी तो भैया गावस्कर भी अपने बच्चे को गावस्कर नहीं बना पाया, खुद की इच्छा नहीं थी तो अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बना पाया दोस्त। जो उनके खुद के अंश है, खुद का उनका जो बच्चा है वो नहीं बना पाए, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, अनुभव की कमी नहीं थी, तो आप किसी अनजान आदमी को कैसे करोड़पति बना सकते हो जबकि उसकी कोई इच्छा ना हो। अब उनकी लिस्ट बनाइए और उनके गेस्ट को अपनी कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी। अब देखिए आपने क्या किया, अपनी लिस्ट बनाई, कितना आसान है, अपनी लिस्ट बनाई और अपनी लिस्ट के लोगों को प्लान दिखवाया या दिखाया। उसमें से जो लोग जुड़े, उनकी लिस्ट बनाई, उनका विजन क्लियर किया, उनको प्लान दिखाया उनकी लिस्ट पे काम करके, और उनके नीचे टीम क्रिएट हो गई। और जो अब नए लोग आए उनके साथ क्या करना है, अगेन उनकी लिस्ट बनानी है, उनका विजन क्लियर करना है और उनकी लिस्ट पे काम करना और टीम बनाना, यही तो काम है। अब बताओ आप कह रहे हो ये काम नहीं हो रहा, पता है क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, आप आज में जी रहे हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना चाहते हो, आपको इस इंडस्ट्री की ताकत शायद आपको पता नहीं है या फिर आप उस स्तर पे मेहनत नहीं। हमें यही पता लगा, मैंने अपनी लिस्ट बनाई, उसमें से कुछ लोग आए, अब जो लोग आ गए उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट पे काम करना है, फिर कुछ लोग आ जाएंगे, फिर जो लोग आए उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट पे काम करना है, फिर कुछ लोग आ जाएंगे। पहले ये काम मैं करूंगा, प्लान दिखाने का, ट्रेनिंग देने का, सेमिनार देने का। पहले मेरी अप्लाई नहीं किया, प्लान दिखाने का, ट्रेनिंग देने का, सेमिनार देने का मेरे साथ। उसके बाद मैंने सीख लिया, फिर मैं खुद प्लान कर रहा हूँ, खुद ट्रेनिंग कर रहा हूँ, खुद सेमिनार कर रहा हूँ, अपलाइन और मैनेजमेंट कंपनी उसमें सपोर्ट कर रही है। जैसे गो डायमंड जब होता है तो कंपनी का सपोर्ट होता है उसमें, आप सिर्फ लोगों को लेके जाते। फिर मैंने सीख लिया, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं सेमिनार कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। उसके बाद मेरी टीम में से कुछ लोगों ने प्लान सीख लिया, अब वो प्लान दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सेमिनार, ये चक्कर चलता रहता है। यानी कि खुद तैयार होना है और कुछ लोगों को तैयार करना। जिस दिन कुछ लोग आपकी टीम में तैयार हो गए आप फ्री हो जाते हैं इस बिजनेस से। वहां तक कोई ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, वहां तक जो काम करते हैं वो 10% लोग करते हैं, 15% लोग करते हैं। इसीलिए नेटवर्क बिजनेस में 10-15-20% लोग ही अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, 80% लोग टाइम पास करके चले जाते हैं और वो कहते हैं इंडस्ट्री बेकार है। और नो डाउट 80% लोगों की आवाज ज्यादा होती है, वो 80% नाकामयाब लोग जब बोलते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी बात को ज्यादा माना जाता है। वो 10% 20% जो बड़ी अचीवमेंट लेके लोग बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए लगा के इस इंडस्ट्री में बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वो यहाँ पे कुछ पैसा लगा के जिनको लाखों करोड़ों रुपए आ चुके हैं उनकी आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत है। तो अपने गेस्ट को आपको अपनी कंपनी प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है और यही प्रोसेस जो है आपको दोहराते रहना, यही प्रोसेस दोहराते रहना है।